मीरपुर विकासखंड में इधर आया हूँ कि अपने सारे जोड़ों को शुभकामनाएं देने आया हूँ और यही चाहता हूँ कि उनका जीवन आगे जाके सुखी हो सके। सर, कुछ इतने जो जोड़े हैं सामूहिक शादी से गुरेज करते हैं, सम्मिलित नहीं होना चाहते, उनका आपका क्या संदेश है? ये मेरा ये संदेश है कि भाई जिसको दिक्कत है कि वो अपने व्यक्तिगत तरीके से शादी नहीं करा पा रहे, तो ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो ये योजना है उसमें आएँ और अपनी जो भी शादी के जो भी तरीके होते हैं उससे उसके तहत शादी करें। इस तरीके का आज आयोजन किया गया, हमारे अधिकारी हमारे कर्मचारी काफ़ी अच्छा व्यवस्था किए हैं, उन्हीं के द्वारा ही ये वैवाहिक कार्यक्रम अच्छे से समापन हो गया। और इनके आप सबको तो पता ही होगा कि हमारे जो अरे हवाई जो सर हैं उन्होंने तो बता ही दिया है कि 145 जोड़े थे जिसमें से 101 हमारे ब्लॉक के थे और 44 भदैया ब्लॉक के थे। और उनको उनके समान जो उनको सामान दिया जा रहा है उसमें सबसे अच्छा शायद डिनर सेट है और क्या बताइए, कुछ मुस्लिम जोड़े के भी निकाह भी हुआ है, अभी उन्हीं का आशीर्वाद है कि आ ही रहा है। कितने मुस्लिम जोड़े हैं? 4 लोग हैं। मैम, एक सोशल मीडिया पे खबर वायरल हो रही है कि दुबेपुर ब्लॉक में सबसे ज्यादा कमीशन खोरी है, इससे क्या संदेश देना? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कमीशन खोरों का इतनी अच्छी व्यवस्था होती है? इतनी अच्छी व्यवस्था देख ही रहे हैं आप लोग, कमीशन होता तो इतनी अच्छी व्यवस्था कोई ना होती। जितनी सरकार जो हमारे मोदी जी योगी जी द्वारा जो भी उनके द्वारा जो भी मतलब आते हैं योजनाएं वो सारे हम लोग यही शुरू से यही एक उद्देश्य था कि इसका विकास हो हमारे ब्लॉक का, और आप देख रहे हैं विकास हो भी रहा है, तब कुछ सुर्खियां तो उड़ती ही रहती हैं। मैम, जरूरतमंद होने के बावजूद भी लोग अपने शादियों में समाज की शर्मिंदगी से लेकर सम्मिलित नहीं होना चाहते, हमारे चैनल के माध्यम से उनको लोगों के आपका क्या संदेश है? वो सब बताइए, इसमें कोई शर्म की कोई बात है? ये तो गर्व की बात है हमारे सरकार द्वारा, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की है कि जो हम पूरा नहीं करते इसके द्वारा हम उनको पूरा कर सके। अभी एक मुस्लिम जोड़े आए हुए थे, वो वहाँ जाने के बाद उनको सब लग रही थी वो वापस चले गए, इसमें आप क्या संदेश देना चाहती हैं? कहाँ है वो, उनसे चले गए उनको शर्म किस चीज की शर्म बताइए? हम लोग नहीं आए, बताइए इतने बड़े अधिकारी लोग सब आए हैं, इतने बड़े विधायक लोग आए, हम लोग हैं ही उनके सपोर्ट के लिए, इसमें शर्म की कौन सी बात, कोई शर्म वाली बात है? उन गरीब माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रहा है जो की महत्वाकांक्षी सरकार की योजना लगातार चला जा रही है, सम्मिलित नहीं होना चाहते, उनका आपका क्या संदेश है, कैसे देंगे, क्या मोटिव करेंगे उनको? हम तो उनको यही मोटिव कर रहे हैं कि ये आप ही लोग के लिए जो योजना है ये आप ही लोग के लिए निकाला जा रहा है, तो इसमें आप लोग भी अपना सहयोग दीजिए, पीछे ना हटिए, क्योंकि भारत एक विकसित देश है ना हमारा, तो विकास किस तरह से आप लोग शर्माएंगे तो विकास कैसे होगा? आगे बढ़िए, हम आप एक कदम बढ़ाइए हम 100 कदम बढ़ाएंगे। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। मोदी साहब ने कहा पढ़ाना, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि सरकार ने अगर सामूहिक विवाह की स्कीम जब लाई थी अगली सरकार ने, तो सरकार के पीछे दो मंशा थी, एक मंशा थी कि दहेज प्रथा को हतोत्साहित करना और दूसरा था सामाजिक समरसता की स्थापना। तो आपने यहाँ देखा दोनों चीज़ें हैं, दहेज की कुछ बातें नहीं है और सामाजिक समरसता की बीजेपी सरकार पूरी तरह सफल है। एक ही मंडप में सारे जाति के सारे धर्म के लोग एक साथ बैठे हुए हैं, आप किसी को नहीं कह सकते कि ये किस जात का है, किसी भी जात का नहीं पूछी जा रही, सारे लोग साथ एक मंडप में बैठे हुए हैं और इसकी बहुत सफल है। जबकि इस तरह के कार्यक्रम जो क्या जो समाज में मतभेद पैदा है जात विभेद को लेकर, क्या इसलिए इस कार्यक्रम के लेकर इस माध्यम से समाज में एकता और स्वभाव आएगा? पता तो है, हमने पहले ही कह दिया ना, आपसे पिछले पहले बताया ना, सामाजिक समरसता स्थापित तो है ही, आप बैठे देखिए 124 लोगों के साथ बैठे हुए जोड़े हैं, 124 लोगों के साथ परिवार भी आए हुए हैं, कौन किस जात का है, कौन किस धर्म का है, कहीं कोई दिक्कत है, सब लोग साथ बैठे हुए हैं, तो भाई सामाजिक एकता तो आई रही। ठीक है, एक जोड़ा अभी बगैर निकाह के ही चला गया, इसको उनका आपको क्या संदेश? क्यों चला गया? अब उसकी इच्छा सर मुनासिब हो रही है। विवाह आप भी पढ़े लिखे हैं, मीडिया के साथी हैं, ये आपसी सहमति का विषय है, किसी का जबरदस्ती ना विवाह कराया जा सकता ना शादी कराई जा सकती है। अगर उनको भाई शादी में नहीं सम्मिलित होना था तो आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, यहाँ पे तो खुशी वाला माहौल है ना, जिसकी इच्छा हो आए, अगर किसी को यहाँ से लौटाया जाए वो गलत है, अगर कोई स्वयं शादी ना करना चाहता हो तो सरकार जबरदस्ती